नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बेसलाइन बनाने के बारे में। मैं आप लोगों को शुरुआत से एक बेसलाइन बना के दिखाऊंगा और उसमें जो मैं रूल यूज़ करता हूं वो भी आपको दिखाऊंगा। मैंने पहले भी इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक बनी हुई बेसलाइन दिखाई थी जो मैंने बनाई थी, और उसमें मैंने आपको सेम रूल्स बताए थे। लेकिन आप लोगों ने बोला कि भाई हमारे सामने एक बेसलाइन बना के दिखाओ ताकि हमको अच्छा और समझ में आए। तो दोस्तों, अब भी मैं आपको सारी चीज़ें लाइव इस वीडियो में बना के बताने वाला हूँ। इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हो, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अब हम सभी लोगों ने 5,000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं। आप लोगों के साथ के बिना ये नहीं हो पाता। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, शेयर किया वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बहुत सबसे बड़ा दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये म्यूज़िक सुना देता हूँ, उसके बाद हम बेस लाइन पर वर्क करेंगे। ये मैंने एक पैटर्न बनाया है, कोई म्यूज़िक फाइनल नहीं है, बस ये पैटर्न जो आपको इसके ऊपर हमको एक बेस लाइन बनानी है। तो एक बार इस पैटर्न को हम सुन लेते हैं। तो सिंपल मैंने एक किक का साउंड लिया है, एक स्नेयर का साउंड लिया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रखे हुए हैं, इनको रखा हुआ है 80 BPM मैंने लिया हुआ है। इसमें मैंने पियानो में कॉर्ड लगाए हुए हैं। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने इस तरीके का कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे किया तो आप मेरे को बताना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में हिंट दे देता हूँ। ये देखो, डी मेजर स्केल है, तो डी मेजर स्केल के अंदर मैंने डी बी ई और ए से चालू होने वाले मैंने कॉर्ड लिए हैं और उनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया है मैंने। कुछ यहाँ पर इस तरीके के कॉर्ड लिए हैं, तो जिससे मतलब थोड़ा सा साउंड है ना वो कॉम्प्लेक्स साउंड आ रहा है, तो बेहतर आ रहा है सिंपल कॉर्ड्स के मुकाबले। तो आप भी अपनी कंपोजिशन में इस तरीके के साउंड्स को यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके बारे में ट्यूटोरियल किसी और दिन करेंगे, आज हम बेस लाइन के ऊपर रखने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो देखो, बेस लाइन अभी हमको जब जब हम सीखना जा रहे हैं ना, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, जिस पैटर्न के अंदर अंदर हमने कॉर्ड बनाए ना, उसी के अंदर ही हमको बेस लाइन बनानी है, ये ध्यान रखना। बाद में हम उसे कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में हम ऐसा ही करेंगे। और अभी मैं बेस लाइन के लिए पियानो रोल पर जाता हूँ और इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस पैटर्न में मैंने जो नोट प्ले किए हुए थे वो मेरे को दिख रहे हैं, है ना। ये कैसे दिख रहे हैं, ये मैंने घोस्ट नोट एक्टिवेट कर रखा है। यहाँ पर आप व्यूज़ में जाकर और घोस्ट नोट को यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। ये दिख रहा है घोस्ट चैनल्स, है ना। तो ये अभी डीएक्टिवेट कर दिया, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी व्यू पर जाता हूँ दोबारा और घोस्ट चैनल्स को एक्टिवेट कर देता हूँ, तो आपके नोट्स एटलीस्ट दिखने लग जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे कि इस जगह पर डी वाला लग रहा है, इस जगह पर ये वाला लग रहा है, इस जगह पर ये वाला नोट लग रहा है, इस जगह पर ये वाला नोट लग रहा है। तो ये आपको हेल्प करते हैं नोट्स को देखने के लिए, कॉर्ड्स को समझने के लिए कौन से कॉर्ड्स यूज़ किए हैं। तो सबसे सिंपल पैटर्न जो बेस का मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो मैं बताना चाह रहा हूँ सिंपल। आप एक फ्लैट आप नोट को रख दीजिए, जहाँ पर जो कॉर्ड लग रहा है उसका जो मेन नोट है ना, बेस नोट है, उसको आप रख दीजिए, जैसे मैंने अभी रख दिया। एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस ट्यूटोरियल को हेडफोन लगा के ही देखना, अदरवाइज आपको ये बेस का साउंड क्लियर नहीं सुनाई देगा। अब हम आ जाते हैं दोबारा। आप देखोगे ये बेस का लाइन जो साउंड है मेरे को थोड़ा सा लो दिख रहा है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को ये जो बेस नोट हैं ये भी पोजिशन भी यही रखनी है। अगर मैं अप करूँगा तो फिर मेरे को ये नोट्स हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करें। बेस नोट जो लोएस्ट दिख रहे हैं पियानो के, वो मेरे को यहाँ से सही दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सेटिंग पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नीचे की ओर क्लिक कर देता हूँ। ध्यान रखिए, नीचे की ओर क्लिक करेंगे तो आपका ऑक्टेव ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर की ओर करेंगे तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने C4 पर कर दिया है C5 से इसको। अब इसको एक बार सुन के देखते हैं। तो
तो देखो दोस्तों, बेस लाइन को डालते ही सॉन्ग में एक जान आ चुकी है। तो बेस लाइन होती क्या है? बेस लाइन एक मेलोडिक और परक्यूसिव दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट का एक जोड़ होती है जो हमारे मेलोडिक पार्ट को कनेक्ट करती है परक्यूसिव पार्ट से। तो अब हमको करना क्या है? बेस लाइन को हमने मेलोडिक, मतलब हमने जो नोट्स यूज किए हैं वो तो हमने डाल दिए, तो हमारा मेलोडिक तो बन गया। अभी अभी हमको इसको और कॉम्प्लेक्स करना है थोड़ा सा। तो इसके लिए हमको इसमें बीट, जैसे आती है ना बीट, आप बार के बीच में लगा देते हो, है ना, तो वो हमको करना है। इसको सिंकोपेशन भी बोलते हैं और सिंकोनाइज भी बोलते हैं। तो मैं अभी इसमें सिंकोपेशन करने वाला हूँ। तो जैसे कुछ नोट्स मैं इसमें बीच बीच में डालने वाला हूँ, जैसे मैंने इस नोट को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये कर दिया। अब यही नोट मैंने दोबारा सेलेक्ट किया और इस तरीके से लगा दिया, ठीक है, और इसको अभी मैंने छोटा कर दिया इतना। तो अब भी इस तरीके से अगर मैं सभी में करता हूँ, अब मेरे को शॉर्टकट क्या करना है देखो, मैं एक बार बताता हूँ। सभी में सेम ऑपरेशन मेरे को परफॉर्म करना है, तो कंट्रोल दबाते हुए मैंने पूरा माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया सभी को और सभी को छोटा किया। इस तरीके से शिफ्ट दबा के मैंने दोबारा ड्रैग किया और अब इन सभी को छोटा कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक नोट को डाल दिया। आपको करना क्या है, देखो ये वाला फर्स्ट बार होता है, ये वाला सेकंड बार होता है ना। फर्स्ट बार यहाँ पर कंप्लीट होता है, सेकंड बार यहाँ से चालू होता है, थर्ड बार यहाँ पर आ गया, फोर्थ बार। तो आपको इन बार्स के बीच में भी थोड़े कुछ नोट्स एंटर करने होते हैं। तो आप चाहो तो ये जो लाइन होती है ना, जो लाइन आपको दिख रही है ब्लैक लाइन, है ना, अब इन बार्स के बीच में जो मेजर ब्लैक लाइन है, एक तो ये वाली है, एक ये वाली है, जो इसको चार पार्ट में डिवीजन कर रही है इस बार का। तो आप इन लाइंस पर भी कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा और अच्छा साउंड चाहिए, तो आप इन लाइंस के बीच में जो नोट्स हैं, जो इन लाइंस के बीच में, जैसे ये दो लाइन है, एक और दो, इनके बीच वाली लाइन है, उस पर कर सकते हो। ये जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, तो इस पर कर सकते हो। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो इन दो लाइनों के बीच वाले जो नोट होते हैं, ये जो लाइन है, इनके बीच में भी आप कर सकते हो। तो अभी जैसे मैं फिलहाल इसको यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ और अभी हम इसको सुनते हैं। अब तो देखो दोस्तों, अब भी हमारे बेस में हल्की हल्की सी जान आने लग गई है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये जो नोट रख रहे हो, ये आपको इस ही पोजीशन पर रखने हैं। आप चाहो तो ये जो शुरुआत वाले नोट्स हैं, इनकी भी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैं, अब ये दूसरा रूल है, इनकी लेंथ को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं जैसे इसकी लेंथ को अभी घटाने वाला हूँ ताकि मेरे को दूसरे नोट रखने की जगह मिल सके। तो मैंने इस तरीके से ऐड अभी इनकी लेंथ को कम कर दिया है। अब एक बार हम इसमें कुछ नोट्स और ऐड कर देते हैं, वही शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ। आप देखो, जूम करके दिखा देता हूँ, शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना कि आप अगर सेम इस बार के बीच में जो चार डिवीजन हमने लगाए, इन्हीं पर ही रख रहे हो ना, तो आपकी जो बेस है वो अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से रखने पर ज़्यादा, मतलब ठीक भी लग सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा अगर आपने इस तरीके से ही रख दिया। तो जो आपकी बेस अच्छा लगेगा ना, वो इन लाइनों के बीच में जो लाइन है ना, इस तरीके से रखने पर ही पड़ेगा। वरना इस तरीके से आपने हर लाइन पर ये जो चार डिवीजन में कर रही है, जितनी छोटी से छोटी डिवीजन पर रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा साउंड आएगा। तो अभी जैसे हमने ये बनाया, इसको एक बार हम सुन लेते हैं। थोड़ा सा पहले वाले से तो बेहतर लगेगा, लेकिन अभी मैं आपको और चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ, उससे बेहतर नहीं लगेगा। अब जैसे मेरे को यहाँ पर बेस है वो टूटा हुआ सा लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक नोट लगा दिया है। अब हम सुनते हैं इसे। तो ये मैंने बेस इस तरीके से लगा दिया, लेकिन मैं अभी इसको चाह नहीं रहा इस तरीके से लगाना। मैं यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पर, अब जैसे मैं ये वाली लाइन है, इधर इस बेस को लगाता हूँ, तो देखो कैसा साउंड बनेगा। और अब मैं एक, मैंने साउंड यहाँ पर लगा दिया इस तरीके से, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब हम इसको सुन के देखते हैं। तो देखो, अब बेस हमारा थोड़ा सा बेस में एनर्जी आने लग गई है। अभी मैं चाहता हूँ कि कुछ नोट्स मैं यहाँ पर बीच में भी लगाना चाहता हूँ, इस तरीके से लगा दिए हैं। अब आप देखो, मैं एक बार इसको सुन के देखते हैं। तो
तो ये एक हमने सिंपल बेस लाइन बना ली है। अब इसमें हमारे को अगला क्या है, देखो ये नोट की पोजीशन आपको समझ में आ गई हो, ये वाला रूल मैंने जो बताया। अब हम इसमें करने क्या वाले हैं, हम इसमें एक एक नोट अभी हमने यूज किया हुआ है हर कॉर्ड पर, हम उसकी बजाय उस कॉर्ड में आने वाले नोट्स को अभी यूज करने वाले हैं। ये मतलब ये अगला रूल है हमारा। तो अब जैसे डी के अंदर अगर हम आते हैं, तो अब भी डी के बाद जो नोट आता है उसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। डी मेजर लगेगा यहाँ पर, तो ये मैंने नोट ड्रॉ कर लिया है। तो मतलब हम इन तीनों का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स बेस लाइन बनाना चाहते हो, तो आप इन बाकी जो दो नोट हैं इनको भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम जैसे करके देखते हैं, तो मैंने ये तीन नोट ड्रॉ कर लिए हैं, बाकी सभी के लिए भी कर लेता हूं मैं एक बार। तो अब मैंने ये अभी इन सभी नोट्स के लिए ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको एक बार ये प्ले करके दिखाने वाला हूं। तो ध्यान रखिए, मैं आपको एक और बार बता दूं कि मेरे को अभी ये पता नहीं था कि मेरा माइक ऑफ होगा, तो इसलिए मैं आपको एक और बार रिपीट करके बता रहा हूं कि यहां पर जो नोट्स हैं मैंने कॉर्ड ड्रॉ किया था, और उस कॉर्ड में जो नोट्स आ रहे हैं उनको भी मैंने अब शामिल किया है। तो इस तरीके से ये मैंने हर कॉर्ड पर तीन नोट मैंने बना दिए हैं। तो अभी मैंने आपको ये सुना दिया है किस तरीके का सुनाई दे रहा है। अब देखो, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स अगर हम इसको करना चाहते हैं, तो उस स्केल में आने वाले नोट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये तरीका आपको हर जगह पर यूज़ नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने बेस लाइन में यहाँ पर भी इस तरीके से कर दिया, पूरी बेस लाइन में आपका ये ही फील नहीं आ रही कि कौन सा कॉर्ड पर ये बेस लाइन बनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा इन नोट्स का यूज़ करोगे, तो आपकी कॉर्ड की फीलिंग चली जाएगी। तो आप कुछ कुछ जगह पर ये चेरी ऑन द टॉप होती है ना, उसकी तरह यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर एंड में कुछ नोट्स चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो अलग अलग जगह पर। तो एक बार मैं देख लेता हूँ लगा के कहाँ कहाँ पर लग सकता है। अब देखो, ये मैंने यहाँ पर कर लिया। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, दोबारा जो मैंने आपको लेंथ का रूल बताया था उसी को ही अप्लाई करने वाला हूँ, और ये जो लंबे नोट्स हैं इनको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, ताकि बीट की फील और बने इसमें। और अभी मैंने इन लंबे नोट्स को छोटा कर लिया। देखो, जूम करके आपको दिखा देता हूँ मैं। तो हमें जितने ज़्यादा नोट एंटर करने हैं, जितना ज़्यादा अपनी बेस लाइन को बिजी दिखाना है, उतने ही छोटे नोट्स हमको एंटर करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो मैंने ये कर लिया है। और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कुछ जगह पर, जैसे मैं यहाँ पर एक जगह खाली पड़ी है, मैं यहाँ पर इस नोट को और शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम एक छोटा नोट होता है जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इस छोटे नोट को एक बार मैं ऑल्ट दबाकर इस तरीके से ड्रैग करूंगा तो और छोटा हो जाएगा नोट। तो ये नोट बन गया है। अब मैं ऐसे नोट्स का भी यूज कर सकता हूं कहीं कहीं पर। तो एक बार हम फिट करके देखते हैं ऐसे नोट्स को।
तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट नोट्स को एंटर कर दिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी बेस लाइन को परक्यूसिव बनाने के लिए। अभी बेस लाइन काफ़ी बेहतर हो चुकी है, जहाँ शुरुआत करी थी वहाँ से आप देख लो कितनी चेंज हो चुकी है। अब मैं कुछ यहाँ पर ये और बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर वेलोसिटी को भी आपको चेंज करना चाहिए। तो मैं अभी एक बार वेलोसिटी को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ थोड़े थोड़े नोट्स चेंज करते रहने चाहिए, जिससे एक रियल गिटारिस्ट होता है वो क्या है कि सभी चीज़ों को इनको बराबर एक ही प्रेशर के साथ प्ले नहीं कर सकता है। तो आपको कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े नोट्स में चेंजेस करने चाहिए। तो ये अभी मैं रैंडमली कर रहा हूँ और इसको एक बार सुन के देखूंगा, कहीं मेरे को परेशानी लगेगी तो मैं उसको दोबारा सेट कर दूंगा। तो चलिए एक बार अभी हम इसको सुन के देखते हैं। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। अब बेस लाइन में क्या होता है, बेस गिटार में बेस लाइन बेस गिटारिस्ट बैंडिंग्स और लेता है। तो आपको बैंडिंग्स जैसे जो थर्ड पार्टी प्लगइन है उनमें आपको पिच का ऑटोमेशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर FL स्टूडियो के स्टॉक प्लगइन में मैंने बूम बेस को यूज़ किया हुआ है। इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ पर आपने जैसे इस नोट की लेंथ बढ़ा दी थोड़ा सा, और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नोट आ रहा है, तो कुछ कुछ जगह पर आपको बैंडिंग्स भी डालनी है। तो अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर मैं ये बैंडिंग को, स्लाइडिंग बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग को एक्टिवेट कर देता हूँ। और आप देख सकते हो और कहीं भी आप करना चाह रहे हो, तो मैं जैसे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको दोबारा लेफ्ट क्लिक करता हूँ डबल क्लिक, और अब यहाँ पर भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ स्लाइडिंग। तो आप देखो स्लाइडिंग आप कहाँ कहाँ एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इस नोट को और इस बैंडिंग को थोड़ा सा मैं स्लाइडिंग देना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैंने, और ये मैंने यहाँ पर स्लाइडिंग एक्टिवेट कर दी है इसमें। तो अभी सभी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कुछ और स्लाइडिंग देने की सोच रहा हूँ। ये मैंने स्लाइडिंग दे दी है, तो मैंने अलग अलग जगह पर स्लाइडिंग दे दी है। अब मैं एक बार आपको ये सुनाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके का साउंड आएगा। तो अभी हो क्या रहा है कि स्लाइडिंग का साउंड बहुत इसमें ज़्यादा हो गया है, तो मैं स्लाइडिंग का जो साउंड है वो कुछ जगह पर ही रखना चाह रहा हूँ। तो मैं बाकी सब जगह से इसको हटा दे रहा हूँ, एंड में ही रखना चाह रहा हूँ, लेकिन ये रूल है जो आपको काम आएंगे आपकी बेस लाइन को अच्छा बनाने के लिए, तो आप इनका यूज़ कर सकते। अभी मैं बेस लाइन का साउंड है वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूँ, तो अभी आपको मेरे सिस्टम का साउंड नहीं सुनाई देगा। मैं बस आपको ये सुनाना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ से मैंने अपने मेरे माइक के थ्रू सुनाई देगा आपको मेरे सिस्टम का साउंड। तो अभी मैं बस लास्ट में जो बेस लाइन का साउंड है ना वो ही छोड़ना चाह रहा हूँ, और मैंने इसको इस तरीके से बेस लाइन में जो बेंडिंग का साउंड है वो छोड़ना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर सभी में हटा दिया, बस लास्ट में ही रह रहा है ये जो स्लाइडिंग का साउंड है, ये यहीं पर ही रह रहा है। अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो आप ये लास्ट वाला सेक्शन है ना इसको एक बार ध्यान से सुनना कि किस तरीके का साउंड आ रहा है। यहाँ पर पिच की बेंडिंग देखना, और हेडफोन लगाया होगा आपको तब ही सुनाई देगा। तो मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये वाला हिस्सा आप सुनना। तो इस तरीके से आप अपनी बेस लाइन को बना सकते हो। अब एक बात और, बेस लाइन का जो ऑक्टेव होता है ना, मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरा रूल है, हालांकि आप लोगों को हो सकता है जैसे स्लैप वाला गिटार होता है उसमें ये रूल काम नहीं करता, लेकिन आप कोशिश कीजिए जो बेस लाइन का ऑक्टेव है ना, बेस लाइन ही नहीं हर इंस्ट्रूमेंट के साथ करिए, हर इंस्ट्रूमेंट का जो एक रेंज है उस निश्चित रेंज तक ही उसको कोशिश कीजिए। वैसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको तोड़ भी सकते हो, लेकिन आपकी मिक्सिंग में हेल्प करेगा ये रूल। तो आप कोशिश कीजिए कि 2 ऑक्टेव तक ही किसी को, दो या एक ऑक्टेव तक ही आप किसी चीज़ को आप रेंज डालो। किसी एक नोट की वजह से अगर उसकी ऑक्टेव रेंज बढ़ रही है तो उस नोट को आप शिफ्ट कर लो, है ना। तो मिनिमाइजेशन ऑफ रेंजेस है ना, ये रूल और लास्ट रूल है जो आपका काम करता है। तो आप यहाँ पर अगर जूम करके देखो तो यहाँ पर इसकी रेंज है वो लगभग सेम बनी हुई है,
बस ये वाला नोट है ना, ये ऊपर निकल रहा है, तो अगर हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं तो रेंज इसकी कम हो जाएगी। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ दबाकर शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल दबाकर मैंने इस तरीके से नीचे शिफ्ट कर लिया। तो आप देखो आपने बेस लाइन की जो रेंज है वो कम कर ली है। अब मैं आपको एक बार और बेस लाइन प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप इस तरीके से अपनी बेस लाइन को डिजाइन कर सकते हो। आप जितनी ज्यादा नोट यहां पर लोगे आपका बेस लाइन उतनी ही अच्छी बनेगी, उतनी ज्यादा बिजी होगी, अच्छी की नहीं कह रहा, बेस लाइन कभी कभी खाली भी अच्छी लगती है, वो एनर्जी सॉन्ग की एनर्जी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। तो ये अभी मैंने काफी ज्यादा एनर्जी इस बेस लाइन में डाल दी क्योंकि इसमें काफी ज्यादा छोटे छोटे नोट्स आ रहे हैं। तो सब चीज़ें मिलकर ये कुछ इस तरीके का साउंड बना है। आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना मेरे को। और आप लोग चाहते हो कि मैं आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन जो मैंने बनाया था ये वाला, इसका भी ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट में लिखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और दोस्तों आप लोगों का मैं शुक्रिया दोबारा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, 5000 सब्सक्राइबर मेरे को बहुत जल्दी पूरे करवा दिए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और कोई भी आपको परेशानी आती है आप डाउट मेरे को यहाँ पर पूछ सकते हो कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा ग्रुप है और जिसकी लिंक आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम पर हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।